में मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी सैमसंग का फर्स्ट जी बाईपास करेंगे कैसे। तो चलिए इस वीडियो को हम पूरी तरह से बताना चाहेंगे कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसमें एडीवी का प्रॉब्लम होता है, इसमें एडीवी को आगे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी है इसमें फर्स्ट जी बाईपास होगा। अभी मेरे पास जो टूल है, जो एक्टिवेशन से टूल लिया हूँ, वो है मेरे पास जो डिजिटल पावर टूल 2.0 चल रहा है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, जो 2.0 अभी लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो आप में अगर नहीं है तो क्या करें कि आप गूगल साइट पर जाकर वहाँ पर 2.0 का आप ये डिजिटल पावर टूल का आप सेटअप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी जो अभी सेट आया है J6 आया है, J6 को FRP करना है। इसी तरह से कोई भी सेट आता है आपका, मतलब FRP करने के लिए कोई भी सैमसंग का मोबाइल आता है तो उसमें ADB आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जो भी मॉडल आपका होगा इसमें, आपको वो मॉडल आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सब इसमें बहुत सारा मॉडल दिया गया है, सैमसंग में जैसे ही चाहिएगा आपको सैमसंग का बहुत सारा मॉडल दिया गया है। तो हाँ, अभी मेरे पास जो सेट आया है उसको अभी FRP करके हम दिखाएंगे प्रॉपर कि क्या है। तो अभी ये सेट में क्या है कि FRP लगा हुआ है, ठीक है। तो हम अभी FRP इसको J6 है मॉडल, जो इसको J600G के नाम से जाना जाता है, तो इसको अभी FRP बाईपास करके दिखाएंगे पूरी तरह से आपको कैसे FRP बाईपास को डन किया जाएगा। तो अभी फॉलो कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सैमसंग में चले जाना है और जो मॉडल है आपके पास वो मॉडल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मेरे पास सेटर आया है अभी जो J600G है, ठीक है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। ADB यहाँ रिसेट ADB है, तो इसको ADB को क्या करना है अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको दिखा देंगे प्रॉपर कैसे ADB को कनेक्ट किया जाता है। तो अभी इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर लिख देगा कि अभी कनेक्ट अभी नहीं है। जैसे मेरे पास अभी डाटा केबल अभी कनेक्ट नहीं किया हूँ, तो इसमें जब डाटा केबल कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर जो मॉडल है यहाँ पर लिख देगा कि जो सैमसंग का कनेक्ट हो गया है। तो अभी देखिए कनेक्ट करने जा रहे हैं डाटा केबल को, यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर दिए और यहाँ J6 मॉडल लिख दिया है, ठीक है। जैसे ही J6 मॉडल लिखेगा उसके बाद एक और लिखेगा, तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक देखिए क्या लिखेगा कि आपको *#0 जो भी है इस पर ADB कनेक्ट करने के लिए आपको मॉडल देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि *#0*#0 तो इसको क्या करना है, आपको इमरजेंसी कॉल में जाना है और इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद आपको जैसे यहाँ पर इमरजेंसी कॉल है, इमरजेंसी कॉल पर चले जाइएगा और ये दुकान का इमरजेंसी कॉल है उसमें चले जाना है, ठीक है। जैसे इमरजेंसी कॉल पर जाइएगा तो ADB यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए इमरजेंसी कॉल पर जाना है और उसको क्या करना है, ADB सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी दिखाएंगे प्रॉपर इसमें सेलेक्ट होता है कि नहीं। अभी इसमें ADB आपका यहाँ पर जो होता है फॉर्मेट, ADB का फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। अभी देख रहे हैं ADB में चला गया है, आपको क्लिक करना है ये जो दे रहा है *#0*#, उस पर होने के बाद ADB आने के बाद यहाँ ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही देखिए ADB जब हो जाएगा तो ओके क्लिक कर लेना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ADB इनेबल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे प्रॉपर क्या दिखेगा यहाँ पर, अभी देखिए अभी FRP बाईपास करके दिखाते हैं। अभी इसमें देखिए J6 आ गया है और ADB कनेक्ट हो गया है, और देखते हैं FRP क्या निकला है।
देखिए यहाँ पर FRP डन हो गया है और इसके बाद देखिए यहाँ जैसे ही फॉर्मेट आएगा, यहाँ पर फॉर्मेट का एक सिंबल आएगा, देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट सिस्टम पर आपका भेज देगा, देखिए आपका होम पर भेज दिया, जैसे ही देखिए आपका हो गया, ये FRP डन हो गया, देखिए डायरेक्ट होम पर चला गया, ठीक है। तो देखिए FRP बाईपास कैसे हो गया इसमें। इसी तरह आप सभी मॉडल को, आप J6 या जो J5 है, जो सभी मॉडल को आप FRP बाईपास कर सकते हैं।